जय माता दी, जय लक्ष्मी माता। आप सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सभी भक्तगणों को बताएंगे इस वर्ष 2022 में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, लक्ष्मी पूजा की विधि क्या है एवं संपूर्ण जानकारी। दीपावली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बार की जो दीपावली है वो बहुत ही खास है, इसलिए लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अमावस्या की तिथि इस वर्ष 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। इसी दिन दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली दीपों का पर्व है। ये पर्व सुख समृद्धि और वैभव का भी प्रतीक है। इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से धन की देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है एवं सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इस वर्ष बन रहा है, एक तो प्रदोष काल में है और एक वृषभ काल में है, तो यही दो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहे हैं लक्ष्मी पूजन के। प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल 5:43 और 11 सेकेंड से रात्रि 8:16 और 7 सेकेंड तक आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। वहीं वृषभ काल में लक्ष्मी पूजन की बात करें तो शाम 6:54 और 52 सेकेंड से और रात्रि 8:50 और 43 मिनट तक आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल और वृषभ काल ये दोनों ही जो मुहूर्त हैं बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस वर्ष भक्तगणों से निवेदन है कि जो लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त हैं इन्हीं मुहूर्त में आप लक्ष्मी पूजन करें, ताकि पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और माता रानी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वहीं आप सभी को बता दें, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली का दिन सबसे उत्तम बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा में लक्ष्मी जी के मंत्र और आरती का पाठ अवश्य करना चाहिए। दीपावली पर दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान देने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अगर आपने भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी का पूजन किया है तो कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं इस वर्ष पूर्ण करने वाली है। कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।